यू भी तो प्यारा कितना लग रहा है यार, थूकता भी नहीं उस चीजों पे मैं। तुम बहुत ही घटिया किस्म के बंदे हो। ये नए की दुकान पे आ गए हूँ, यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है। प्लेट बना के रख ली, ये था फ्रूचा पड़ी और ये पड़ा है। उम्मीद आप सब लोग कैडियो से होंगे, तो मैं हूँ आप सबका अपना बेरोजगार ब्लॉगर। तो यार अभी मुझे मेरे दोस्त अयूब की कॉल आई है, वो कह रहा है कि यार मार्केट जाना है, वहाँ से टेकन 7 की सीढ़ी पकड़नी है, क्योंकि ईद वाले दिन उनका गेमिंग का प्लान है। तो मैं कहने की और पूछ असल में मुझे मेरा अपना काम ही था, मैंने भी कंट्रोलर लेना है। तो अभी जाएंगे अयूब की तरफ, फिर वहाँ से मकटे जाएंगे मार्केट और सारा मंजिल दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। तो यार अभी अपने दोस्त के घर के बाहर आ चुका हूँ, अभी इसको बुलाते हैं, बेल वगैरह बजाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है सीन हमारा। यार ये बंदा आ गया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। भाई किधर रह गए हो, जल्दी आ जाओ नीचे। अब कितनी देर तक आओगे? 5 मिनट तक। मैं पिछले कोई 10-15 मिनट से ना नीचे ही खड़ा हूँ, और उसके 5 मिनट खत्म नहीं हो रहे। आखिरकार ये बंदा आ ही गया है। अयूब भी तो प्यारा कितना लग रहा है यार। कटिंग कुटिंग करवा ली है भाई। है भाई ये कसम से बहुत शर्माता है। बाइक की चाबी यार ये चलानी तुम नहीं है, तुम नहीं चलानी है, तुम भी चलाओगे, आना जाना होगा। मैंने ऐनक नहीं पहनी हुई, मैं नहीं चला। मेरी पहन ले, तेरी तू किसी की भी पहन ले। नहीं 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 मैं कभी भी ना पहनू। तू पहनेगा बेटा, तू पहले रही है, मैं तुझे पिलाऊंगा। मैं प्यारा लग रहा हूँ, ये भी ओवर हो गया, अभी इसको सीधा करूंगा मैं बाद में। यार पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे खोखे पे लेके आया। बोतल बनाने लगे हुई भाई? नहीं हैं? फिर वजह क्या है? ये पकड़ूंगा। शर्म तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आई। माँ बाप ने पाल पोस के इस दिन के लिए बड़ा किया था कि आज मुझे सवारी रखना शुरू कर दो। थूकता भी नहीं उस चीजों पे मैं। भाई ये वापस कर ले यार। तो यार अब इस वक्त हम हार रोड मार्केट में आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है भाई। ये सारी की सारी फोन वाली दुकानें हैं यहाँ पर। अभी हमने जाना है गेमिंग सेंटर पे, किरण गेमिंग सेंटर, वहाँ से हम पता करेंगे टेकन 7 का, और फिर दिखाएंगे आपको आगे का मंजर। मेरे कंट्रोलर भी लेना है, वो भी लॉक नहीं मैंने लेना आज। तो यार इस वक्त हम किरण इलेक्ट्रॉनिक पे आ चुके हैं, यहाँ से पता करते हैं सीडी का अपनी टेकन 7 की। यार अभी किरण वालों पे गए थे, तो वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस दे रहे हैं सीडी हमें। तो मैं वैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को एक बात बताऊंगा, वो यही है कि किरण वालों से कभी भी कोई चीज़ नहीं लेनी, चोर है साले, इनकी हर चीज़ खराब निकलती है और ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस देते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है। यार अब अयूब ने अपने भाई का एक रेफरेंस लगाया, उसके भाई के दोस्त की दुकान है यहाँ पर मार्केट के अंदर जो ये है, तो अब देखते हैं वो क्या बताते हैं हमें। ऐसे ही अयूब भाई, बड़ा नाम है आपका मार्केट के अंदर है। यू शट अप, घर में इसको कोई पूछता नहीं है, यहाँ पर शोखा आ गया था दोस्तों में। यार हाल रोड से वापस आ चुके हैं, यू भाई ने स्टिंग की बोतल पिलाई है। यू भाई इस खुशी में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हैदर साहब तुम बहुत ही घटिया किस्म के बंदे हो, और किसी ना काम के बंदे हो। तुम 3 साल गेमिंग खेलते रहे हो, तुम मुझे एक सीढ़ी नहीं लेके दे सके हैं? क्या फायदा तुम्हारे 3 साल? ये वो बंदे है कि जिनका अगर नुकसान किया जाए ये तब भी खुश रहते हैं। मैंने इसका किया भला कि इसको कोई अच्छी सीढ़ी लेके दूंगा, वहाँ पर खराब सीढ़ियाँ मिल रही थी और ओवर प्राइस मिल रही थी। खैर अभी इसको घर छोड़ूंगा और फिर जाऊंगा अपने घर, और फिर बाकी का सीन दिखाऊंगा आप लोगों को। यार अयूब का मैंने इसको घर उतार दिया है। ओके अयूब भाई, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना, ठीक है? बस अब मैं जाने लगूँ घर। सर आ चुका हूँ, फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो बस अब आप लोगों से यही कहूँगा कि अभी बड़ा थक चुका हूँ, अभी मैंने व्लॉग भी एडिट करना है, थंबनेल भी क्रिएट करना है अपना। तो पहले मैं ये सारे अपने काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बाकी का दिन। चलो जी घर भी मेरा आ गया। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि ईद आ गई है बहुत ज़्यादा करीब, तो मुझे गाना याद आ गया एक अपने दोस्त की याद में, ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया। मैं आ गया मिठू जी। तू कब आया? अभी अभी आपने याद किया तो। अब ये गाना होने लगा फ्लॉप, क्योंकि मेरा यार गांव से मेरे से मिलने के लिए आया है। मिठू कहाँ गया था, बता दे जरा फैंस को। आपके दिल में मिट्टू तूने दिल छीन लिया, यकीन का दिल छीन लिया तूने। तो यार ये मेरा दोस्त है गांव, तो स्पेशल मेरे से मिलने के लिए आया है। और अंदर भाई यार आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी है प्यारा यार, तू से मिल नहीं रहा। मैं उससे मिल रहा हूँ, सब व्लॉग भी बना दिया उसका तो मैंने स्पेशल। काम वगैरह करके मैं फ्री हो गया हूँ, मैंने अपने जितने भी व्लॉग थे सारे एडिट कर दिए, उनको अपलोड भी कर दिया, स्केड्यूल भी मैंने लगा दिया, वो टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे, और थंबनेल्स भी मैंने बना लिए थे। खैर अब शादी का टाइम हो चुका है, तो लेके आए हैं आज मसाले वाले नान। चेक तो करवाए मुझे भी एक नवाला, जरा जल्दी से मेरे मुंह में तो डाले पूरी चटनी लगा के, ऐसे में चटनी लगा के। जो भी बात कीजिए लाहौर के खाने लाहौर के खाने ही है भाई, अलग किस्म की वैरायटियां डालते रहते हैं ये लोग। मेरे मासूम तोते अम्मी इनको भी सैरी के लिए कुछ डाल दें। वाह जी वाह, आपने बना रही हैं? अम्मी इस वक्त बना रही हैं चाय और साथ कुलचा। सालन आप दे दें मुझे साथ लें।
मैं चाय को जो मेरा बना दे जल्दी से। लो जी मेरा चाय के साथ रोगनी नान आ चुका है। सबसे पहले बनाते हैं एक नवाला चाय के, इसको डुबोते हैं और इसको देसी तरीके से खाते हैं। माँ चैसा भाई क्या सारी वगैरह करते हैं, उसके बाद भी मैं नमाज पढ़ूंगा और फिर दिखाता हूँ अपना आगे का दिन। क्या नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी, रोजा भी मैंने रख लिया था, तो अभी मैं बैठा हुआ। मैं घंटे से ना सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ कि मैं एक ही जगह पे स्टिल बैठा हुआ हूँ और मैं अपने इन मासूम तोतों को देखी जा रहा हूँ। पता नहीं क्या यार इनके अंदर खूबसूरती है कि मैं इन्हें घंटा भी बैठ के देखता रहूँ ना, तरता रहूँ मैं नहीं सकता। ये इनसे मेरी एक मोहब्बत है, दिल तो करता है इन्हें मैं चूम लूं प्यार से। देखो चुम भी करता है ये मुझे, काटेगा नहीं। तो यार आज ऐसे खदशात इस बात की है कि आज रात चांद रात होगी, तो इसलिए तुम्हारे भाई ने भाई आखिरी रोजा समझ ट्रांसफर लंबी से पकड़ा है और मैं जा रहा हूँ नीचे कचौड़ी लेने, समोसा लेने। तो आज की इफ्तारी मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल होनी चाहिए क्योंकि रमजान भी जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब जाके मुझे ये मौका मिलेगा कचौड़ी समोसे खाने का। बेरोजगार हूँ ना, नहीं मिलते पैसे मुझे। तो यार अब तुम्हारा भाई शेर पंजाब बारबेक्यू पे आ चुका है, यहाँ से समोसे और ये कचौड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ से पैक करवाएंगे फिर घर चलते हैं। ओ भाई साहब ये तो मेरा स्कूल का दोस्त है। कैसा है यार, एक भी काम दे दे यार तेरी मेहरबानी। क्या काम? कोई भी बेकार भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रमजान करीम का महीना है आखिरी, और इन भाई के लिए खसूसी दुआ भी करें आप लोग। और अब घर जाके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। वैसे मैंने एक बात नोट किया कि आज के व्लॉग में कुछ अजीब ही कोइंसिडेंस हो रहे हैं कि पहले मुझे मेरा यार मिल गया गाँव वाला और फिर अब मुझे एक स्कूल का एक और बिछड़ा यार मिल गया। ये हो क्या रहा है? मुझे मेरे यार मिल गए। तो यार अफ्तारी का टाइम हो चुका है, इस वक्त हमारे सामने पड़ी है फ्रूट चाट। पापा आप क्या डाल रहे हैं? चने। मूंछा कैसे है? ए वन भाई ये टैंक डाल रहा है, ये पड़ी हुई है हमारे पास चिप्स भी, और मैंने अपनी पूरी प्लेट बना के रख ली है था फ्रूट चाट पड़ी है, और ये पड़ा है हमारे पास सोबड़ी जूस। तो अब करेंगे अफ्तारी सुकून मॉल, ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे अफ्तारी के बाद। तो यार अफ्तारी वगैरह कर लीजिए, मैं आ चुका हूँ मार्केट में कटिंग वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि खदशात है कि कल ईद भी हो सकती है क्योंकि आज चांद रात भी हो सकती है। तो ये नाई की दुकान पे आ गया हूँ, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, बारी पता नहीं कब आती है, तो करवा के फिर मिलता हूँ आप लोगों से मैं। तो यार अब तुम्हारे भाई ने अपना खत करवा लिया हुआ है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाई प्यारा लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है मेरी। और व्लॉगिंग बनाने का तुम्हारे भाई को एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आए सरकार आपको लाइन में बैठने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बारी ही आपकी है। तो बस तुम्हारे भाई के नुआबू की तरह बैठा रहा, खत करा के आ गई हूँ। अब घर पर मैं घर जाके लोगों से और सबसे रिव्यू लूँगा, लोगों से कह लूँ सबसे रिव्यू लूँगा कैसा लग रहा। तो यार अब मैं आ चुका हूँ घर, और अम्मी जल्दी से बताए मैं कैसा लग रहा हूँ। ये तो माँ की मोहब्बत है, तो इसलिए मैं पूछूंगा अपने पापा से। पापा कैसा लग रहा हूँ मैं? मुझे ये बता दे रहा आगे कैमरा आ रहा है। चलिए आप देख के बताए। सही हूँ बस, मेरी तारीफ करे, मेरी तारीफ करे मेरे व्लॉग में। कैसा लग रहा हूँ मैं बताए? बस सही है, चुम्बी कर ले मेरे दिल से। आए माँ का प्यार और बाप की भक्ता, इसका मैं कायल हूँ बस। तो मैं नहा के बाहर निकल गया था तो मुझे पता चला कि आज चांद रात हो गई है, तो मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो, और आप लोगों की तरफ से भी मुझे चांद रात मुबारक हो, खैर मुबारक। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजमी करो, बेल आइकन को भी दबा दो। आज का वीडियो होता है यही बड़ी एंड, अल्लाह हाफिज़।